नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का ये गाना और हजारों गाने हम सुनते रहेंगे, लेकिन अब कभी दिखाई नहीं देंगी लता दीदी। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आज लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली। 92 साल की उम्र में स्वर साम्राज्ञी इस दुनिया से रुखसत हो गई। बीते दिन स्वास्थ्य बिगड़ने से उन्हें फिर से वेंटिलेटर पर रखा गया था। वो लगातार डॉक्टरों की निगरानी में थी। खबर सुनते ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे और परिवार से मिले, जहां लता दीदी को भर्ती किया गया था। पीएम मोदी ने लता दीदी के निधन से दुखी हो एक के बाद एक दो ट्वीट्स किए हैं। लता दीदी के आगे हाथ जोड़े हुए फोटो ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा है, मैं अपनी पीड़ा को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। दयालु लता दीदी हमें छोड़कर चली गई हैं। देश में एक ऐसा खालीपन छोड़ गई हैं लता दीदी जिसे कभी नहीं भरा जा सकता। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी, जिनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की अद्वितीय क्षमता थी। इसके बाद पीएम मोदी ने एक और ट्वीट किया जिसमें वो लता दीदी और आशा भोसले के साथ दिखाई दे रहे हैं। लिखा, लता दीदी के गानों ने कई तरह के इमोशंस को उभारा है। उन्होंने दशकों तक भारतीय फिल्म जगत के बदलावों को करीब से देखा। फिल्म से परे वो हमेशा भारत के विकास को लेकर भावुक थी। वो हमेशा एक मजबूत और विकसित भारत देखना चाहती थी। लता दीदी को अपनी बहन का दर्जा देते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर साल पीएम मोदी को राखी भेजती थी लता दीदी और साथ में एक खास संदेश भी। उनके जाने की पीड़ा से देश में एक सन्नाटा सा पसर गया है। हर कोई लता दीदी के चले जाने से गम में डूबा है। 8 जनवरी को कोरोना संक्रमित पाई गई थी लता दीदी, जिसके बाद उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लंबे इलाज के बाद आज सुबह ये दुखद खबर मिली कि लता मंगेशकर अब हम सबके बीच नहीं रही। डॉक्टर प्रतीत समदानी और चिकित्सकों की टीम की देखरेख में लता मंगेशकर का इलाज चल रहा था। शनिवार को उनकी बहन और गायिका आशा भोसले स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए अस्पताल पहुंची थी। अस्पताल परिसर में उनके प्रशंसकों का लगातार जमावड़ा देखने को मिल रहा था। 29 जनवरी को उनकी तबीयत में मामूली सुधार भी देखा गया था, तो प्रशंसकों ने थोड़ी राहत की सांस ली थी। लेकिन आज लता दीदी के फैंस निराश हैं। उस मीठी आवाज को अब दोबारा कभी नहीं सुन पाएंगे। आपको बता दें, साल 2019 में भी सांस लेने की दिक्कत होने की वजह से लता मंगेशकर को इसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उस दौरान उन्हें निमोनिया डायग्नोज हुआ था। उस वक्त 28 दिन के इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। वो स्वस्थ होकर घर लौट आई थी, लेकिन इस बार अफसोस, लता दीदी हम सबको छोड़कर चली गई।